हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको डेवलपर के 18 हिडन फीचर के बारे में बताऊंगा जिसे आपको जानना जरूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए, डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आपको अपने अबाउट फोन में जाना होगा। इसके बाद आपको बिल्ड नंबर पर 7 बार टाइप करना होगा। अगर आपकी EMI मोबाइल है तो यहाँ पर मेरा है, इसमें इसको इनेबल करने के लिए आपको अबाउट फोन के बाद यहाँ पर आपको EMI वर्जन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ऑलरेडी डेवलपर ऑप्शन दिखाएगा। तो इस तरह से दोनों मोबाइलों में यूज इनेबल कर सकते हैं। इसे इनेबल करने के बाद अब आपको डेवलपर ऑप्शन में आना है। तो इसके लिए आपको यहाँ एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन हो सकता है, अगर आपको EMI नहीं तो आपको हो सकता है ऊपर ही शो हो। तो मेरे यहाँ पर एसेसिबिलिटी में जाने के बाद यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहला फीचर आता है स्टे अवेक। जैसे कि आप अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हो तो आप चाहते हो कि यह मोबाइल ऑफ ना हो, तो आप इसके इनेबल कर सकते हो। अगर जब भी आप अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगाओगे तो यह ऑफ नहीं होगी। अब दूसरा आता है फीचर, यहाँ पर आता है OEM अनलॉकिंग। इस बेसिकली इस फीचर का यूज आप अपने मोबाइल को रूट करने के लिए करते हो तो इसका भी यूज कर सकते हो। अब थर्ड नंबर पर आता है रनिंग सर्विस। इसका यूज आपके मोबाइल में अपने मोबाइल ऐप को कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर कौन कौन से कितना यूज कर रहे हैं डाटा, तो यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद इसे स्टॉप यूज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद अब अगला फीचर आता है डेमो मोड। जैसे कि आप किसी को फ्लैगिंग के लिए इसका यूज कर सकते हो। इसके जैसे ही अभी 70% है, अगर आप इसे इनेबल करोगे तो मेरे 100% दिखेगा। तो यहाँ देख सकते हो मेरा 100% दिख रहा है। तो आप इसे फ्लैग बनाने के लिए, किसी अपने दोस्तों के लिए इसे यूज कर सकते हो। तो अगला नेक्स्ट फीचर आता है हमारा USB डबिंग। जैसे कि आप अपने मोबाइल में डाटा केबल से फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज करते हो, तो आप ऐसे USB डबिंग बहुत ही मोस्ट पॉपुलर फीचर है। आप शायद सभी लोग जानते ही होंगे। इसको यूज करने के लिए आपको इसे इनेबल कर लेना है, या तो आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर से रूट करने के लिए भी यूज कर सकते हो, या आप ऐप को डब्ट करने के लिए यूज कर सकते हो, या फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज कर सकते हो। और इसे यहाँ पर अब आ जाता है, इसे इनेबल करने के बाद अब यहाँ पर आएगा इंस्टॉल USB। इसे आपको इनेबल कर लोगे तो आपको हमेशा ऑफलाइन में आप इसका यूज कर सकते हो। अब अगला नेक्स्ट फीचर आता है हमारा टर्न ऑन ए ट्रैक। आप यहाँ इसे कर्नल यूजिंग के लिए इसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कर्नल यूज कैप्चर के लिए, इसका ट्रैकिंग के लिए इसका यूज कर सकते हो। जैसे आप इनेबल करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो एक कुछ आइकन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग ट्रैक होने लगी है, तो इसका यूज आप कर सकते हो। अब अगला हमारा फीचर आता है, यहाँ पर आता है अग्रेसिव वाईफाई टू मोबाइल हैंडओवर। अगर आप इसका यूज करते हो, जैसे कि आप अपने कनेक्शन वाईफाई से यूज कर रहे हो, आपका सिग्नल लो है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। या आप किसी फाइल को डाउनलोड करने के लिए, मूवी फिल्म जो भी डाउनलोड करने के लिए। अब अगला हमारा नेक्स्ट फीचर आता है सेलेक्ट USB कॉन्फिग्रेशन। इसका यूज आप, जैसे कि आप USB को अपने PC में लगाते हो, तो यहाँ पर आप चाहते हो कि चार्जिंग करना है, या फाइल को ट्रांसफ़र करना है, या USB इंटरनेट के लिए, तो आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कमाल का फीचर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर आता है यहाँ पर शो टैप से। जैसे कि आप अपने मोबाइल पर कुछ भी टाइप करोगे तो एक पॉइंटर शो होगा, यहाँ पर देख सकते हो, तो इसका यूज आप कर सकते हो। इसके बाद अगला नेक्स्ट ऑप्शन आता है पॉइंटर लोकेशन। जैसे कि आप कहाँ कहाँ टच की हो, आप अपने मोबाइल में दिखाना चाहते हो, तो इसका यूज कर सकते हो पॉइंटर लोकेशन के लिए। जैसे कि मैं इसे इनेबल करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने कहाँ कहाँ से इसे टच किया, ये पूरा एक पॉइंटर बनता जा रहा है, तो इसका यूज आप कर सकते हो। तो अगला नेक्स्ट आता है इसमें शो लेआउट बाउंड्रिंग का। जैसे कि अगर इसे इनेबल करोगे तो ये बाउंड्रिंग शो होने लगेगी आपके टेक्स्ट के बीच में।
इन सभी के बीच में देख सकते हो बाउंड्रिंग यहाँ पर होने लगे। अब अगला नेक्स्ट फीचर आता है फोर्स आर्टियल लेआउट डायरेक्शन। जैसे कि आप उल्टे में इसे चलाना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो या लेफ्ट साइड में हो गया तो इसका यूज आप कर सकते हो। अपन आता है विंडो एनिमेशन स्केल। जैसे कि आप अपने इसे एनिमेशन स्केल को कितने टाइम तक रखना चाहते हो तो यहाँ पर जैसे मैं दो किया तो यहाँ पर टाइम लगेगा। अगर मैं इसे आप रखूँगा तो तेजी से होगा। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन का एनिमेशन स्केल यहाँ पर ये हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। जैसे कि आप अपने ड्यूरेशन को कितने टाइम तक रखना चाहते हो तो इसका यूज कर सकते हो। जैसे मैं 0.5 किया बैट 5 यहाँ पर तो इसका यूज कर सकते हो आप। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिमुलेट सेकेंडरी ऑप्शन। जैसे कि अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है विंडो एनिमेशन स्केल का। तो इसका यूज आप जैसे कि अपने विंडो को जैसे कि यह मोबाइल स्क्रीन है इसका स्केल कितने टाइम तक रखना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पर 5 रखूँगा तो यह थोड़ा टाइम लेगा ओपन में देख सकते हो कुछ इस तरह का। तो मैं इसे आप रखूँगा तो फास्ट होगा तो इसका यूज कर सकते हो। अब हमारा अगला नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रांसक्रिप्शन का। यहाँ पर एनिमेशन इसके आप ट्रांसक्रिप्शन कितने टाइम तक रखना चाहते हो तो जैसे मैं इसे आप यहाँ से रख सकते हो तो मैं इसे 0.5 ही रखूँगा। इसके बाद आता है एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल का। इसके बाद आप भी एनिमेटेड ड्यूरेशन को कितने टाइम तक रखना चाहते हो तो इसका यूज आप कर सकते हो। इसके बाद अब अगला ऑप्शन आता है नेक्स्ट फीचर आता है सिमुलेट सेकेंडरी डिस्प्ले का। जैसे कि आप एक छोटा डिस्प्ले दिखाना चाहते हो अपने मोबाइल में स्क्रीन पर तो इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर 1480 यहाँ पर देख सकते हो मैं जो जो भी यूज करूँगा ऊपर डिस्प्ले में शो होने लगे। इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो यहाँ से उठा उठा करके। अब इसे आप करने के लिए आपको यहाँ पर नॉन पर क्लिक कर देना। अब अगला हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोर एक्स एम एस ए ए। इसका यूज आप बेसिकली गेम खेलने के लिए कर सकते हो। जैसे कि आपका गेम स्लो चलता रहता है आप इसका यूज कर सकते हो गेमर के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिमुलेट कलर स्पेस। जैसे कि आप अपने कलर को मोनोक्रोमे। इसके बाद यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन जैसे कि मैं यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा मैं यहाँ पर करूँगा तो इस तरह से आप इसे रख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है डोंट कीप एक्टिविटीज। जैसे कि आप अपनी एक्टिविटीज को दिखाना नहीं चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। इससे आपकी एक्टिविटीज नहीं पता चलेगी तो इसका यूज भी गजब कमार का फीचर। अब अगला फीचर आता है हमारा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। तो इसका यूज आप जैसे कि आप बैकग्राउंड की प्रोसेस लिमिट को कितना रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। तो मैं इसे स्टैंडर्ड लिमिट रखूँगा। इसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है इनएक्टिव ऐप्स। जैसे कि आप देखना चाहते हो कौन से एक्टिव ऐप नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो एक्टिव सभी एक्टिव इनएक्टिव ऐप सभी दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देख सकते हो बैकग्राउंड जैसे इनएक्टिव ऐप है यहाँ से आपको पता चल रहा है। तो भी कमाल का फीचर है। तो आई होप फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय टेक केयर।